वेल ये वीडियो एक ऑन डिमांड वीडियो है फॉर श्योर, बिकॉज अगर आप लोग ये सीखना चाहते हैं कि कोई ऐसी स्ट्रैटेजी मिल जाए जो सुबह सुबह के मोमेंटम पे ही प्रॉफिट बुक कर दे, और अगर हमें लॉस भी हो तो बहुत छोटा हो, एंड अगर आप लोग ऑप्शन बाइंग में इंटरेस्टेड हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ मात्र 7,500 रुपये से आप एक राउंड ऑफ लेवल भी अगर लेना चाहें तो 10,000 रुपये ले लीजिए, सिर्फ 10,000 रुपये से ये स्ट्रैटेजी में आप एंटर कर सकते हैं। और ये स्ट्रैटेजी किस तरीके से पैसा कमा के देगी, कितने दिन लगातार पैसा कमा के दे सकती है, कितना लॉस होगा, ये हर चीज की बैक टेस्टिंग आपको मिलने वाली है। इस स्ट्रैटेजी का हमने नाम रखा है स्नाइपर निफ्टी ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी, मतलब एक स्नाइपर स्ट्रैटेजी है, जैसे ही मूव आएगा ये कैप्चर करेगी, पॉइंट नंबर 2 निफ्टी पर चलेगी और पॉइंट नंबर 3 ऑप्शन बाइंग का सेटअप है। तो ये क्या है, कैसे वर्क करेगा, अब आइए समझते हैं इस वीडियो के अंदर। देखो स्नाइपर नाम हमने बेसिकली इसलिए रखा है क्योंकि क्या होता है कि अगर आप एक ऑप्शन सेलर हो तो आपको ये जो बड़ी कैंडल्स है ना ये परेशान करती हैं, ठीक है। अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो ये छोटी कैंडल्स परेशान करती हैं। तो अगर सेलर होता है तो वो जो बाइंग वाली कैंडल्स होती है इनमें वो कुछ कर नहीं सकता, वैसे तो वो कितना भी ज्ञान लगा ले कुछ भी कर ले, अगर वो नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर है तो इनका कोई सोल्यूशन नहीं है। और अगर आप बायर हो तो इन कैंडल्स का कोई सोल्यूशन नहीं है। तो हमने क्या सोचा कि एक काम करते हैं, कुछ एक ऐसी मोमेंटम स्ट्रेटजी बनाते हैं जो कभी भी बड़ी कैंडल आए उसको कैप्चर करे, प्रॉफिट बुक करे और गेम खत्म। अब इस काम को होने में 1 मिनट भी लग सकता है, 2 मिनट भी लग सकते हैं और 5 मिनट भी लग सकते हैं, बट हमने ट्राई ये किया है कि दिन में ये कम से कम 4 से 5 बार ट्राई करे। 4 से 5 बार अगर ट्राई किया तो यार 4 से 5 बार में एसएल का क्या करे, तो बहुत ही बिल्कुल सिंगल डिजिट पॉइंट्स में एसएल लगाया गया है और ये स्ट्रेटजी निफ्टी के ऊपर चल पाएगी। अब पॉइंट क्या है कि अगर कोई मैनुअल ट्रेड मारने जाएगा तो आपको पता भैया सिंगल डिजिट एसएल कैसे आएगा, ये काम आपको समझ आ रहा है कि या तो कोई रोबोट कर सकता है कोई एल्गो कर सकती है। Correct. तो इस स्ट्रैटेजी का आपको एक एल्गो मिलने वाला है कि देखो तो खुद से करने जाओगे जितनी देर में सोचोगे काटो उतनी देर में तो मूव निकल जाएगा। सो इमोशन लेस ट्रेडिंग होनी चाहिए यहाँ पे, वरना नुकसान हो जाएगा। ऑप्शन बाइंग में ये बात हमने कई जगह सीखी बताई, हमने देखी है कि अगर आप एट द मनी या नियर द मनी में नहीं हो तो ऑप्शन बाइंग में आप मोमेंटम को कैच नहीं कर सकते। आप 400 पॉइंट आउट ऑफ द मनी में जाके मोमेंटम को तो कैच करोगे नहीं। इसमें जो स्ट्राइक चूज करी गई है वो ऑलमोस्ट ऐसी है कि बहुत ही डायनेमिक टाइप से काम करती है। अगर एक्सपायरी चल रही है तो वो इन द मनी बाई करती है, अगर थोड़ा सा और पहले का टाइमिंग चल रहा है तो वो एट द मनी या हो सकता है नियर आउट ऑफ द मनी बाई कर रही है, डिपेंड करता है वो कितना डिस्टेंस में एक्सपायरी से, क्योंकि एक्सपायरी के दिन अगर आपने एट द मनी या उससे आउट ऑफ द मनी में लिया तब भी आपको प्रॉफिट नहीं होता कई बार। तो इसमें डायनेमिकली वो इन द मनी सेलेक्ट कर लेती है, ऐसा भी नहीं कि 500 पॉइंट इन द मनी बट नियर इन द मनी। इससे क्या होता है कि अगर मूव आए बुक हो खत्म बात, राइट। तो इस तरीके से इसको क्रिएट किया गया है। एंड इसमें सबसे खास बात यह कि आपके पास सिर्फ 10,000 रुपये भी हैं तब भी आप इसको रन कर सकते हो आराम से। एंड जो इसका प्रॉफिट परसेंटेज वगैरह है सब कुछ मैं भी आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, अभी हम इसकी बैक टेस्टिंग आपको दिखाने वाले हैं और मैं डे वाइज दिखाऊंगा। जैसे मैं आपको जस्ट फॉर एग्जांपल बताता हूँ, ये चार्ट 28 मार्च का है, ठीक है। तो अभी मैं बैक टेस्टिंग में चलता हूँ, इसके हमने नाम ही स्नाइपर रख दिया, तो मैं इसके बैक टेस्टिंग में दिखाता हूँ कि अगर 28 मार्च को ये काम करती तो कैसे थी। ये देखो ये 28 मार्च का है, 28 मार्च को इसने एक ट्रेड लिए, 2200 का कॉल बाई किया है, 150 क्वांटिटी मतलब 3 लॉट 920 पे और 922 पे निकाल दिया इसने सर, 2 मिनट के अंदर 3,000 रुपए उसने ले लिए। और 3 लॉट का मतलब आप समझ लोगे तो ऑलमोस्ट बेसिकली 3 लॉट पे 3,000 लिए, 1 लॉट पे 1,000 रुपए बुक करेगी। तो आपको जितने भी लॉट से ट्रेड करना हो जो आपको ठीक लगे, 26,000 पे 3,000 दे दिए, 26,000 पे 3,000 दे दिए और 2 मिनट के अंदर बात खत्म। अब ये पूरे दिन कोई और ट्रेड नहीं लेगी, अभी ट्रेड नहीं लेगी, सिंपल है। और ये 10% होते हैं कैपिटल के, अपन ऑप्शन सेलिंग में 5 दिन में 1.5% 2% ढूंढ रहे होते हैं और ये इसने 10% यहाँ पे दे दिए। अब थोड़ा ऊपर चलता हूँ, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो इसमें इसने 3 लाख रुपए का प्रॉफिट दिया है, 3 लाख रुपए का, 3 लाख का 2 साल में दिया। पहले हम 1 साल का दोबारा से करते हैं प्रैक्टिस, 1 साल और 2 साल दोबारा दोनों दिखाएंगे, ठीक है। कि अगर आप 1 साल इसे 3 लॉट से ट्रेड करते हैं, हमने भी 3 लॉट लिया है, आप 1 लॉट ले लो 10 लॉट ले लो वो आपके ऊपर है, ठीक है। ओके, तो देखो हमने 1 ईयर का किया है, 1 ईयर में इसने ऑलमोस्ट 102 मतलब 1 लाख रुपए दिए, ठीक है। और मेन गेम पता है कहाँ है, विंडेज देखो 65%, ऑप्शन बाइंग में कहीं नहीं मिल रहा 65-70% विंडेज। आप लगातार ऑप्शन बाइंग मैनुअली करके देख लो, पॉसिबल नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ना ऑप्शन बाइंग में ना सेलिंग को क्या करना है, बैठे रहना है, बाइंग को क्या करना है, बैठना बिल्कुल नहीं, ये बटन दबाई बाई और इधर सेल खत्म। अब मैं आपको उससे भी कमाल की चीज बताता हूँ लोगों को, आप स्ट्रीक्स की देखो विन रेट, ये सबसे बड़ी चीज है, कहीं नहीं मिलेगी विनिंग स्ट्रीक 15 बार ऑप्शन बाइंग, मतलब आपने अगर ये ट्रेड मारा तो लगातार 15 दिन आपके पैसे बुक हुए हैं और जब लॉस हो रहा है
तो सिर्फ लगातार तीन बार हो रहा है, तीन बार के बाद फिर प्रॉफिट देगा ये। इसमें और खास बात बताता हूँ, ये तो ठीक है दो सालों में अगर जाए तो, क्योंकि ये बहुत बुरा साल था तब इसने 26,000 पे 1,00,000 मतलब लगभग 300% रिटर्न दिया है। अब यहाँ पे दो साल में अगर आप देखोगे ना, बेहतरीन चीज जो मैं आपको बताऊंगा ये रही, देखो विनिंग स्ट्रीक 26। मैं सच बता रहा हूँ, ऐसी मैंने अभी ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी भी नहीं देखी जिसमें 26 की विनिंग स्ट्रीक हो, पॉसिबल ही नहीं। और अगर इसकी विनिंग स्ट्रीक 26 है, इसका मतलब इसने बुकिंग ही 3,000 रुपए की करी है। क्योंकि इसमें क्या है ना, इसमें हमने सेट कर रखा है कि आपको लगभग 10% बुक करके देगी, मतलब 10,000 रुपए अगर आपने लगाए हैं तो 1,000 रुपए बुक, और वो चाहे 2 मिनट में आयो, चाहे 6 मिनट में, चाहे आधे घंटे में, चाहे पूरे दिन में, चाहे पूरे दिन में आयो, 5 बारों में आयो, क्योंकि 5 बार ये स्ट्रेटजी डिप्लॉय होती है और बहुत ही लोअर एसएल के साथ। तो इसमें अगर 26 दिन का विनिंग स्ट्रीक है तो आप यहाँ पे देखोगे कि विनिंग डेज कितने हैं, 71%। ये पता है कहाँ देखने को मिलता है, 71% ऑप्शन सेलिंग में, वो भी मुझे लगता है जिसके अंदर हमने बहुत रिस्क मैनेजमेंट और सेफ्टी डाली होगी। तब जो इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था स्ट्रैंगल वाला 1.5, उसमें था, वो भी इसलिए था क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा रिस्क मैनेजमेंट था। इसमें आ रहा है वो भी बाइंग में 71%। आप और लॉस की स्ट्रीक देखो ना, सिर्फ लॉस की स्ट्रीक 3। इसका मतलब ये है कि अगर मैं गलती से, मैं अगर खोने को 5,000-10,000 रुपए भी खो रहा हूँ, और 3 बार खोए तो 30,000 रुपए हुए, मैं अगर कमाने को जा रहा हूँ ना 5,000 रुपए, 26 बार में वो 1,50,000 रुपए होते हैं। तो बहुत बड़ा एक गैप है, बहुत बड़ा गैप है इसमें। और मैं थोड़ा सा आपको ट्रांजेक्शन्स दिखाता हूँ किस तरीके से। ये हमने बुकिंग अमाउंट परफेक्ट कर रखा है कि जो मैंने बैक टेस्टिंग रखी है उसमें 3,000 रुपए बुक है और 7,500 रुपए कट। एक चीज बस मैं आपको बता रहा हूँ, जब आपका रियल ये डीमैट में होगा ना तो यहाँ पर 3 एग्जैक्ट दिखता है, क्योंकि ये एल्गो पे हो रहा है। ब्रोकर पे ना वो ऐसा आएगा जैसे 3,020 रुपए, 3,100 रुपए या फिर 5,000 रुपए कम ज्यादा, क्योंकि तो वो ब्रोकर पे काटते काटते थोड़ा सा पैसे का डिफरेंस आ सकता है बस। देखो, कुछ नैनो सेकंड्स की बात होती है और गेम पॉइंट्स में बदल जाता है, क्योंकि 0.05 का अपना यहाँ पे चलता है मार्केट में। तो आप एवरेज वो 3,000 ही पकड़ सकते हो, क्योंकि कभी ज्यादा भी बुक करता है वो, कभी कभी 3,200-3,300 बुक करेगा, कभी 2,900 बुक करेगा, ऐसा चलता रहता है। तो ये ध्यान रखना, ये नहीं हो कि यहाँ पे तो 3,000 दिखा था, मेरा तो जी 2,900 पे बुक हुआ तो ऐसा क्यों हुआ। तो 71% विंडेज का मतलब ये है कि 10 में से लगभग 7 बार आपको ग्रीन में क्लोज करता है, और इसके ग्रीन में क्लोज करने की विनिंग स्ट्रीक 26 बार है। आप यहाँ देखो, कोई भी डेट्स आप निकाल के देखोगे, 3,000 बुकिंग, 7,000 गए, फिर 3,000 बुकिंग, ये लगातार ये करता रहता है। मैक्सिमम लॉस इसमें जैसे एक लॉट में 2,500 रुपए का डाल रहा है, 2,500 रुपए का। और देखो 2,500 रुपए क्यों डाले, मैं आपको बता रहा हूँ, आपके पास जो मर्जी एल्गो, आप उसको जाके 2023 जो अपना 2023 है ना, मतलब आप 22 मिड से 23 में टेस्ट कर लो, उसमें आपने अगर मार्केट में ना थोड़ा सा बड़ा एसएल नहीं रखा है, आपकी स्ट्रेटजी नहीं चलेगी। मैंने भी इसको, मैंने क्या, मेरे दो डेवलपर हैं, उन लोगों ने दिन रात इसमें लगा लगा के कुछ ऐसे फिक्स पॉइंट्स निकाले हैं, इसी वजह से मैं वो फिक्स पॉइंट है बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि उनकी बहुत मेहनत है उसमें। एग्जैक्ट पॉइंट्स है, एग्जैक्ट प्रीमियम का नंबर है। मैंने इसमें बहुत चीजें चेंज करने का ट्राई किया, बट वो नहीं पा पा रहा हूँ जो उन्होंने पाया था। अब यहाँ पर एक चीज आप देखो कि अगर किसी ने अपने अकाउंट में लगभग 25,000 रुपए पकड़ लेते हैं, जो 3 लॉट की बात हो रही है, 25,000 रुपए रखे होते तो 2 साल में 25,000 के 3,00,000 रुपए हो गए। आप बस एक तरफ यहाँ पे ड्रॉडाउन की तरफ जाइए, ड्रॉडाउन का पैसा अलग रखना पड़ेगा, करेक्ट, या फिर आपको जब देखेगी भाई थोड़ा सा ड्रॉडाउन आ रहा है तो आपको पैसे ऐड करने पड़ेंगे, बट अदरवाइज आपके 25,000 के 3,00,000 होते हैं। और ये तभी पता लगता है जब आप बैक टेस्ट करते हो, वरना आपको समझ नहीं आएगा, आपको नहीं समझ आएगा ऐसा क्यों हो रहा है। बट बैक टेस्टिंग में ग्राफ, ये बहुत सुंदर ग्राफ है ये, आप ये देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, लगभग नवंबर 2022, ये देखो जो सबसे बुरा था मैं उसमें बता रहा हूँ, नवंबर 2022 से लेके इसने लगभग अगस्त 2023 तक बहुत बढ़िया प्रॉफिट दिया, जिसमें सब फेल था। मैं आपको किसी में भी देख लेना, डेल्टा न्यूट्रल भी उस टाइम पे ना धीरे 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 पैसे दे रही थी, ये उस टाइम पे भी सक्सेसफुल थी। रिसेंटली भी इसने देखो पैसे देना नवंबर 2023 से शुरू किया और अभी दे रही है, चल रहा है। अभी जैसे ही वॉल्टिलिटी और बढ़ेगी, कैंडल्स का साइज बढ़ेगा, इसको सिर्फ इतनी कैंडल चाहिए, मतलब थोड़े से पॉइंट्स में ये ट्रेड को बुक कर देता है। अभी मैंने जैसे एग्जांपल दिखाया था कि जो अपना 28 मार्च अभी निकला, उसमें सिर्फ 2 मिनट में इसने प्रॉफिट बुक कर लिया। अब कोई कहेगा जी उस दिन तो बहुत बड़ा मूव आया, मेरे से छूट गया, छूट गया तो छूट गया भाई, कोई बात नहीं, इसने सिर्फ 3,000 ही बुक करने थे, इसने 1,00,000 ही करने हैं, वो 10% है, ये भी सोचना होता है कि वो बुक हो गए, अब प्रॉफिट लेके घर भी तो जाना है। अगर आप मार्केट में लड़ते रहोगे तो वो प्रॉफिट भी देके जाओगे, और आप सोचोगे कि जिंदगी की आखिरी ट्रेडिंग आज ही करनी थी। मैं सच बता रहा हूँ, वीडियो के पहले सेम क्वेश्चन मैंने पूछा था पुष्कर भाई से, कि पुष्कर भाई यार इसने तो पहली कैंडल में खत्म कर दिया गेम, इस दिन तो कितनी सारी कैंडल बनी है, अगर सेम ये देखो 1, 2 दूसरी कैंडल, फिर ये शाम को ये सारी कैंडल बनी, अगर हम इन सब में बुक कर लेते तो कितना अच्छा पैसा बनता।
नहीं होता भाई, हमें क्या करना है, सिंपल इतना रखना है कि ये रूल्स है, उस रूल्स पे चलना है, तभी तो एल्गो में चीजें शिफ्ट करी है। अदरवाइज बात क्या है, अगर जो पैसा बुक किया बस वही आपका है ये नहीं कि डीमैट अकाउंट में दिखा था वही ना, या आ सकता था तो वो आप मार्केट में नहीं सोच सकते, जो बुक किया वो अपना, बाकी सारा सपना वो वाली बात, बस वही वाली बात है। तो ये एल्गो ने बुक किया है, एल्गो बता रही है कि ये प्रॉफिटेबल है। अगर आप लोगों को लगता है कि भाई ये आपके थॉट्स के साथ मैच करता है तो आप चाहे तो इसे डिप्लॉय कर सकते हैं। कैसे, स्ट्रेटजी में आपको दिख जाएगा, ये मैंने यहाँ पे, ये रही मैंने स्ट्रेटजी टेम्पलेट्स के अंदर डाल दी है, स्नाइपर निफ्टी ऑप्शन बाइंग। इसमें सिंपली आपको यहाँ पे सब्सक्राइब नाउ दिख रहा है, इसके कोई पैसे नहीं है, ठीक है, सब्सक्राइब नाउ दिख रहा है आपको, सिर्फ क्लिक करते ही ये डिप्लॉय ऑप्शन आएगा। इसके अंदर इंटरनली आप कुछ चेंज नहीं कर सकते, जैसे बाकी सब में क्या है ना, बाकी सब आपने इंटरनली चेंज किया तो क्या होगा ना, सारी चीजें बिगड़ जाएंगी। करेक्ट, यहाँ पे बाकी सब में एड टू माई स्ट्रेटजी आता है, ये सारी चीजें आप कॉपी पेस्ट एडिट कर सकते हो, आप इसको एडिट नहीं कर सकते, बट इतना सा फर्क है और कुछ भी नहीं है। इसे आप सिंपली डिप्लॉय कर सकते हो, कैसे कर सकते हो दिखा देते हैं। इसको सिंपली, ये मेरे तो स्ट्रेटजीज में पहले से ही है, ये गए, आप जैसे ही यहाँ पे डिप्लॉय बटन पे क्लिक करोगे या फिर आप अगर सब्सक्राइब नाउ पे क्लिक करोगे, आप यहाँ पे आओगे। अब यहाँ पे ब्रोकर है, मैंने ब्रोकर में अपस्टॉक ऐड किया, ठीक है। आप सिंपली ऐड कैसे करना है अपस्टॉक को या किसी भी ब्रोकर को, वो हमने डेटा ट्यूटर वाले वीडियो में बताया, शॉर्ट में बता देते हैं, कोई बात नहीं, आप समझ लो पहले इसे कैसे। यहाँ पे देखो मैक्स प्रॉफिट मैक्स लॉस, ये सब जो पहले से डिफॉल्ट वैल्यूज है वो यहाँ पे डली हुई है, आपको सारा कुछ लॉट साइज के हिसाब से डिफरेंट 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 अपने रेशियोज में ऐड करते रहना है। उस तरीके से आपको अगर सिंपली इसको डिफॉल्ट में चलाना है तो उसके बाद कुछ भी नहीं करना, वैसे वो ऑप्शनल है, आप दोनों को हटा भी सकते हो, हटा भी सकते हो अपने आप 3000 का प्रॉफिट पे और 7500 के लॉस पे निकालेगा एक लॉट के हिसाब से, अगर आपने लॉट बढ़ा लिया तो उन्हें खाली भी छोड़ सकते हो, डन। और उसके बाद यहाँ पे डिप्लॉय दबाया और ये डिप्लॉय हो जाएगी, सिंपल है, उसमें आपको कुछ भी ज्यादा चेंजेस नहीं करने, एंड डन, खत्म बात। एंड उसके बाद डिप्लॉय करने के बाद डेली आपको क्या करना है, मॉर्निंग में लॉगिन करके आना है, लॉगिन करने के बाद टर्मिनल ऑन पे क्लिक करना है, टर्मिनल ऑन करोगे मतलब आपको लॉगिन करना है आप स्टॉक पे अपने, और उसके बाद ट्रेड इंजन ऑन कर देना है और सो जाना है, सिंपल। और ये अपनी ट्रेड्स लेता रहेगा, छोटे छोटे लॉस है, 5 बार ट्रेड लेगा, एक भी बार उसका जो 3000 का प्रॉफिट का वो अपना लेवल है वो हिट हुआ, ट्रेड कैंसिल, खत्म, वो दिन एंड हो जाएगा। और ज्यादातर मैं इसमें बताऊं, ज्यादातर जो इसकी ट्रेडिंग के मैंने टाइमिंग देखे हैं ना, वो 5 मिनट या 6 मिनट है, इससे ज्यादा की ट्रेड्स मैंने बहुत रेयर देखे हैं इसके अंदर, क्योंकि ये मोस्टली एक ही कैंडल में ट्रेड लेके अगले के पहले सुई पे काट देता है, पहले सेकंड पे, तो ज्यादातर ट्रेड्स 5 से 10 मिनट की है। तो आप ब्रोकर पे जाके ब्रोकर ऐड कर सकते हो, बड़ा सिंपल। आप ब्रोकर्स पे जाके, आप ब्रोकर्स पे क्लिक करना है, यहाँ पे ऐड ब्रोकर क्लिक करना है, यहाँ पे अभी 5 ऑप्शंस है, धीरे धीरे सारे ऑप्शंस एक एक करके ऐड हो रहे हैं, तो ये सारे ब्रोकर्स रहे, आप यहाँ से डायरेक्टली ऐड कर सकते हो इफ यू आर यूजिंग ऑलरेडी। अगर आपको बिल्कुल सारी सर्विसेज फ्री चाहिए सारा कुछ, तो आपके डिप्लॉयमेंट के लिए कुछ नहीं, आपको यहाँ जाना है और एक फ्री प्लान है, इसके कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं, वो सब आप रीड कर सकते हो, और आपको ये फ्री प्लान भी मिल सकता है जिसमें साल भर के लिए आपको ये जो अनलिमिटेड प्लान की सारी वैल्यूज है, सारी चीजें, वो सब कुछ फ्री में मिलेंगी फॉर 1 ईयर। तो वो भी यहाँ पे प्लान अभी चल रहा है, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। ऑलराइट, तो आई होप आपको इस स्ट्रैटेजी के बारे में समझ आ गया होगा, जिसका नाम हमने दिया स्नाइपर निफ्टी ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी। देखिए, ऑप्शन बाइंग रिस्की होता है, डिस्क्लेमर है, मैं पहले बता रहा हूँ आपको। ऑप्शन अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको पहले समझ के चलना पड़ेगा कि फिर रिस्क है, और अगर मैं रिस्क ले सकता हूं तभी आपको इसमें ट्रेड करना चाहिए। फाइनली, अगर आपके कुछ सवाल है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, अपना प्यार देने के लिए लाइक कर सकते हैं, और अगली वीडियो अगर आप मिस नहीं करना चाहते, क्योंकि हम एक सीरीज के अंदर है, आपको ऑप्शंस की अलग अलग स्ट्रैटेजीज मिल रही है विद बैक टेस्टिंग, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पर क्लिक करना है, जिससे एक भी वीडियो आप मिस ना करें। हमने पूरी प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, जिसका आपको लिंक मिल जाएगा एंड स्क्रीन पर और आपको कार्ड्स में मिल जाएगा। फाइनली, एल्गो रूम्स जो हम दिखा रहे थे अपना प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा, आप जाके इसे एक्सेस कर सकते हैं। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।